हेलो गाइस, मैं हूँ चेतन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल डिजिटल डब्बा। तो आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानेंगे जिन्होंने साबित कर दिया कि इंसान जो चाहे वो बन सकता है, इंसान जो चाहे वो कर सकता है। हाँ जी, आपने सही सुना। तो उस इंसान का नाम था एडविन सी बांस द ग्रेट साइंटिस्ट थॉमस एडिसन जी के बिजनेस पार्टनर रह चुके थे। उनका बचपन बहुत गरीबी में गुजरा। एडविन जी ने 1905 में ये निश्चय किया कि वो अपने सपनों को पूरा करेंगे और उनका सपना था द ग्रेट साइंटिस्ट थॉमस एडिसन जी का बिजनेस पार्टनर बनना। उसी साल 1905 में न्यू जर्सी से उन्होंने अपना ट्रेन का सफ़र शुरू किया, जो कि रुका सीधे द थॉमस एडिसन जी के लैब पे जाके। वहाँ थॉमस एडिसन जी से मिलते ही उन्होंने कहा कि मुझे आपका बिजनेस पार्टनर बनना है। वहाँ मौजूद सारे लोगों ने एक जवान लड़के को फटे पुराने कपड़ों के साथ देखे, ये कहते हुए सुना कि मुझे द ग्रेट थॉमस एडिसन जी का बिजनेस पार्टनर बनना है। वो उस पर हंस पड़े, पर एडिसन जी नहीं हंसे। एडिसन जी को पता था कि ये इंसान जो भी चाहे वो करने की शक्ति रखता है। जो चाहे वो करने के लिए जो जो चीज़ करनी पड़े, ये इंसान मन लगा के मेहनत करके कर सकता है। उन्होंने एडविन को अपना बिजनेस पार्टनर तो नहीं बनाया, पर उसे एक मौका दिया। वो मौका था उनके लैब में झाड़ू मारना। एडविन ने ये जॉब स्वीकार कर ली। 2 साल बीत गए झाड़ू मारते मारते, पर उन्हें अभी तक वो मौका नहीं मिला था जिसकी वो तलाश में थे। और हाल ही में फिर एडिसन के लॉन्च हुए एक नए आविष्कार का नाम था एडिफोन, एक ऐसी मशीन जिस पे आप वॉइस लेटर भेज सकते हो। एक वैक्स सिलेंडर पे ह्यूमन वॉइस रिकॉर्ड किया करता था ये मशीन और वॉइस लेटर्स भेजा करता था। इन्वेस्टर्स को बड़ी चिंता थी कि एडिसन का ये आविष्कार मार्केट में चल नहीं पाएगा। एडिसन के कंपनी के बहुत से सेल्समैन इसे बेचने में असफल थे, और यहाँ एडविन को देखा वो मौका जिसकी वो तलाश में था। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए एडविन ने थॉमस एडिसन जी से एडिफोन बेचने का मौका मांगा और उन्होंने उन्हें वो मौका दे दिया। कुछ ही दिनों बाद एडविन ने एडिफोन को ना कि एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट की तरह बेचा था, बल्कि चिकागो शहर और अन्य अमेरिकी शहरों में उसे बेचने का कॉन्ट्रैक्ट भी एडिसन से ले लिया था। कुछ ही दिनों बाद एडविन ने खुद की कंपनी शुरू कर दी जिसका नाम था एडविन सी बांस एंड ब्रदर्स, जिसकी टैगलाइन थी मेड बाय एडिसन एंड इंस्टॉल्ड बाय बांस। एडविन सी बांस ना कि एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन और सेल्समैन थे, बल्कि एक बहुत अच्छे इंसान भी थे। उन्होंने सामाजिक कार्यों में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। इसी को देखते हुए रोटरी क्लब ऑफ चिकागो ने 9 दिसंबर 1915 में उनको एक अवार्ड से पुरस्कृत किया। उस अवार्ड का नाम था थैंक्स फॉर डूइंग एंड नॉट फॉर टॉकिंग। 40 साल एक बहुत अच्छे सेल्समैन और बिजनेसमैन बने रहने के बाद उन्होंने अपने बिजनेस लाइफ से रिटायरमेंट ले ली। 23 सितंबर 1952 को बीमारी के कारण उनका दुखद निधन हो गया। द ग्रेट राइटर नेपोलियन हिल ने एडविन सी बांस की स्टोरी अपने किताब थिंक एंड ग्रो रिच में प्रकाशित की है। अगर आपको ये पुस्तक पढ़ना हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। एडविन सी बांस की स्टोरी ने हमने क्या सीखा? एडविन सी बांस की स्टोरी ने हमने सीखा, इंसान जो चाहे वो कर सकता है, इंसान जो चाहे वो बन सकता है। आपको ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।